मुखातिब हूँ। पिछले 4 साल जो नलायक ना अहल चोर टोला इस पार्लियामान पर और हुकूमत पर काबिज़ था, उसने ये जो मीडिया कॉर्नर था इसको बंद रखा। फाशिस्ट एक मुल्क पे मुसल्लत था, जो आज बड़े आज़ादी सहाफ़त और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर भी बंद किया रखा 4.5 साल। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं आपके कैमरों के तवस्सुत से मीडिया को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि आज सेनेट के अंदर पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 का अमेंडमेंट बिल 2023 पेश हुआ। ये बिल 11-12 माह की तवील मुशावरती मुद्दत से गुजरा है। इसमें पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा मीडिया की जो तंजीमें हैं उन्होंने अपनी राय दी है, अपनी इनपुट दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने थ्रू आउट मेरी मुआवनत की, मेरी रहनुमाई की और एक ऐसी कानून साजी जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको तकवीत देती है। आज सेनेट में जब ये बिल पेश हुआ तो जो ऐवान के उस तरफ बैठे हुए मेम्बरान थे, ऑनरेबल मेम्बर्स ऑफ द सेनेट सेनेटर्स, उन्होंने इस बिल के ऊपर बात करना चाहिए। पहले तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इसकी कितनी शिकें हैं जिनमें तब्दीली की जा रही है और वो अमेंडमेंट्स किस तरह इसको एक डिक्टेटर के कानून से, जो 2002 का मुशर्रफ का कानून था पेमरा ऑर्डिनेंस, उसको किस तरह ये एक जमहूरी कानून बनाती है। इस कानून के तहत जो एग्जिस्ट करता है 2002 का, उसमें कोई इंफॉर्मेशन मीडिया नहीं चला सकता जब तक कि उसका मौक़िफ़ ना हो और या वो शख्स जिस पे इल्ज़ाम या जिसकी खबर हो वो प्रूवन एज गिल्टी ना हो, और उसकी सिवेयर एक्यूजेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ शिकें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो एक अमेंडमेंट है इसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक तफसीली, मैंने पहले भी अपनी प्रेस टॉक में भी इसकी डिफ्रेंसीशन बताई है कि इसमें गलती की गुंजाइश रखी और इख्तियार एक वाहिद शख्स चेयरमैन पेमरा से लेकर इसको अथॉरिटी और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेन और काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर भी मीडिया वर्कर्स, मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को नुमाइंदगी दी गई है। तो बात ये थी कि वहाँ ये और अमेंडमेंट एक और भी थी कि कॉन्टेंट फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी तो वो नैरेटिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि ये कंटेंट कोई हम अपना नैरेटिव नहीं देंगे, वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी सिर्फ सालाना रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो मुझे ये लगा, ये तासुर आया सेनेट के अंदर जब मैंने पूरी बहस की कि इस बिल को पढ़ा नहीं गया और 15-20 दिन ये रहा पब्लिक डोमेन में, और उससे पहले भी ये पब्लिक डोमेन का बिल था, ये हर वक्त मुशावरत पब्लिक होती रही, मैं इसको शेयर भी करती रही जिन लोग के साथ मुशावरत हो रही थी। तो अब मैंने खुद गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ इसको PRA ने, तमाम नुमाइंदा जमात तंजीमों ने, मीडिया की, पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने, सब ने यूनानिमसली, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जहाँ तमाम जमातें मौजूद हैं उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूँ कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इस में ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है और इसको मुतनाज़ा मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस से 12-13 महीने बिल गुजर कर आया है। इसलिए मैंने ये आज चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की कि आप इस बिल को सेनेटर्स की राय लेने के लिए, हालांकि फुल हाउस था, वहाँ राय आ सकती थी, सेंस ऑफ द हाउस भी आ सकता था, लेकिन एक प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना आए और इसको एक डिस्कशन के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेज दें। तो चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी की, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। ये दौर वो दौर नहीं है जब चलते प्रोग्राम बंद हों, जब मुल्क के वज़ीर आज़म को प्रेडिटर कहा जाए और चलते चैनल्स बंद हो जाएं, सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगें, उनकी पसलियां टूटें, उनकी नाक की हड्डियां टूटें। और मैं ये भी समझती हूं कि इस पूरे बिल के प्रोसेस को मज़ीद तकवीत देने के लिए हमने इस बिल को आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेनेट में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़्यादत, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो शहबाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो हमज़ा शहबाज़ हों, मुस्लिम लीग नून की सारी क़्यादत, अपोजिशन की फ्रंट रोज़ ने इजहार राय के जो गला घोंटा गया 4.5 साल, उसका डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर या बाल्टी मुंह पे डालकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि सर उठाकर बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और मैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जिसका मैं बार सड़कों पर बैठ कर एहतजाज करती रही, मैं उस कानून साजी का हिस्सा नहीं बना सकती। इसलिए तमाम सेनेटर्स की जो राय है वो बड़ी
अहमियत की हामिल है और जितनी राय इसमें आए, लेकिन राय कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो कानून साजी को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, बराए मुखालफत मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक संजीदा बिल है जिसने पूरा रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म ऑफ पेमरा जो एक रेगुलेटर है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो को रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन की तरफ मूव कर रही है, उसी तनाजर में पूरी दुनिया के कानून को देखते हुए, प्रैक्टिसेस को देखते हुए इस कानून में भी तरमीम की गई थी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की है कि ये बिल, मैंने मुखालफत नहीं, बिल बाकी भी पास हो रहे थे जो पास हो सकते थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी का प्रोसेस जो है सेनेटर्स की राय आनी चाहिए और वो इस के पूरे उसको भी कंप्लीट करेगी, और उसी स्पिरिट से मैंने ये बिल जो है वो दरख्वास्त की है चेयरमैन सेनेट को कि वो इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। नहीं जी, इसमें चेयरमैन सेनेट ये इख्तियार रखते हैं कि वो किसी को भी कायम मकाम, मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी के तो जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, मिल नहीं रहे ना, लापता भी हैं, मुझे नहीं पता किधर हैं, कहीं नमूदार होते हैं कभी कभी, कहीं आते हैं, लेकिन ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका कोई इसमें डिले नहीं हो सकता, तो चेयरमैन सेनेट ये इख्तियार रखते हैं कि वो कमेटी के मेंबर्स में से, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनमें से किसी को भी कायम मकाम चेयर उस कानून साजी के लिए बना सकते हैं। मरियम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पीआरए ने बड़ी जद्दोजहद की कि और इसके लिए बकायदा हमने लॉबिंग की कि कानून के जो तनख्वाहों का मसला है वो पेमरा की डोमेन में आना चाहिए और जो तनख्वाही अदा नहीं करते उन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। ये बिल जो है वो पिछले दौर में भी कोशिश की गई, लेकिन ये कुछ शायद है कि इस दौर में ये बिल मंजूर होता है, लेकिन हमारा एक मुतालबा पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का ये भी है कि जहाँ दीगर तनजीमों को आपने नुमाइंदगी दी है इस बिल में, वो के वोटिंग राइट नहीं दिया, तो पीआरए को भी वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जब ये बिल कायमा कमेटी के पास जा रहा है। तो पहली बात तो बेजाज साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपने पीआरए ने, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी मेरी रहनुमाई की है इस बिल को बनाने में, तो मैं एक बात बता दूं कि ये किसी तंजीम के नाम से इसके अंदर नुमाइंदगी नहीं है। अगर आप कहें कि पीबीए का नुमाइंदा है तो ऐसा नहीं है, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है, और इसी तरह जो मीडिया वर्कर है या जर्नलिस्ट है वो किसी प्रेस क्लब या किसी नुमाइंदा जमात से, एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बल्कि वो मीडिया वर्कर और मीडिया जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव, उस कानून के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो आपकी नुमाइंदगी वो जो अथॉरिटी काउंसिल ऑफ कंप्लेन है वो उसको जो भी जिससे भी मुतल्लिक ये मामला होगा उसको बुला सकते हैं। ये बिल बड़ा वर्कर को तहफ़ देता है, क्या आपको यकीन है कि आपके टेन्योर में इंशाल्लाह ये बिल पास होकर कानून बन जाएगा? देखिए, ये तो मेरी नियत, मेरा मकसद, जो सेंसरशिप, जो इख्तियार चेयरमैन का जो हमने भुगता है, वो मौजूदा हुकूमत जो अपोजिशन है उन्होंने नहीं भुगता। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को चेयरमैन पेमरा कानून ये इजाज़त देता था कि वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बंद कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोसेस से गुजरे। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके पीछे अच्छी नीयत है, पेमरा की रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की नीयत है, और इंशाल्लाह ये बिल सेनेट से पास होगा और कानून बनेगा। इसकी वजह ये है कि पूछो कि मईशत क्यों बहाल नहीं, या मईशत क्यों बदहाली का शिकार है, क्यों महंगाई हुई, क्यों आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, क्यों शर्त सख्त शराइत पर आईएमएफ का प्रोग्राम साइन किया, क्यों वायलेट किया, क्यों सस्पेंड कराया, तो जवाब मिलता है मेरे पास अच्छी माशी टीम नहीं थी। उनसे पूछा जाए कि 190 मिलियन का क्या मामला है, तो कहता है मुझे क्या पता, मेरी काबीना से पूछ लें। फिर कहा जाता है कि जी वो तोशाखाना की घड़ी, उस पर आ गया जवाब कि जी वो मेरे एमएस जो थे वो ख़रीदो फरोख्त करते थे। तो जिस दिन ये पहले दिन डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर, बाल्टी लेकर, मुंह पे डालकर अदालत में आया था, उस दिन पाकिस्तान की आवाम ये